देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सागर। इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी दरगाह निजामुद्दीन दरगाह में, जहां पर शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार है, उनके बेटे के ऊपर जो अभी ड्रग्स का मामला चल रहा है, जिसके कारण शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल के अंदर है। जाने माने टिकटॉक स्टार, बहुत ही फेमस टिकटॉकर हनी शेख के द्वारा आर्यन खान के लिए यहाँ पे चादर चढ़ाई गई है कि उनकी दुआ की गई है, उनके लिए दुआ करी है कि वाकई में ही बहुत गलत हो रहा है और किसी भी तरह से आर्यन खान को बेल मिल जाए। इस वक्त शाहरुख खान और उनकी धर्मपत्नी गौरी खान दोनों ही बहुत ज्यादा परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हनी शेख फेमस टिकटॉकर ने अभी यहाँ पे चादर चढ़ाई है और दुआ करी है कि शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनको जमानत मिल जाए और किसी भी तरह से वो वापस आकर अपने माता पिता के साथ अपना गृहस्थी दोबारा शुरू करें। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और कल आर्यन खान की जमानत की सुनवाई भी है और दो बार आर्यन खान की बेल भी कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद शाहरुख खान के फैन शाहरुख खान के लिए दुआ कर रहे हैं। दिल्ली के एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका नाम हनी शेख उर्फ रहमान शेख है, जिन्होंने आज निजामुद्दीन दरगाह शरीफ पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए दुआ मांगी। दुआ में जल्दी आर्यन खान की बेल हो, ये दुआ मांगी, जिसमें उनके साथ सैयद साजिद अली निजामी मेंबर दिल्ली स्टेट URC कमेटी भी मौजूद रहे, जिन्होंने हनी शेख के साथ मिलकर आर्यन खान के लिए दुआ मांगी। मेरा सैयद साजिद अली निजामी नाम है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का कमेटी। भाई ये हमारे कॉलोनी में रहते हैं बुरहान शेख के बेटे हैं मास्टर हनी, तो ये आए चादर लेके कि आप चादर चढ़ाइए शाहरुख खान जी की तरफ से और उनके बेटे की तरफ से। तो आजकल उनके बेटे परेशानी में है, उनके शाहरुख खान जी परेशानी में है और वो शाहरुख खान गौरी खान उनकी मदर शाहरुख खान के बराबर बाबा के दरबार में आती थी, इस दफा नहीं आ पाए, वो परेशान है, तो इनके दिल में बाबा ने डाला तो ये आए उनकी तरफ से चादर चढ़ाने और उनके लिए उन्होंने दुआ कराई शाहरुख खान और उनके बेटे की तरफ से कि आर्यन को रिहाई अता हो जाए जल्द से जल्द और शाहरुख खान को बाइज्जत उनके बेटे को बाइज्जत कोर्ट से बरी हो जाए। देखिए हमारा हम सूफी लोग हैं, हमारा दरगाह से ताल्लुक है, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो भी है कोर्ट का काम है या पुलिस का काम है वो इंक्वायरी करे और हमारा काम है दुआ करना। अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं और कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर मिलता है तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, तो हमें ये बाबा के दरबार से यहाँ से कोई खाली नहीं गया और इंशाल्लाह आपने दुआ करी है हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा के करम से जल्द उनको रिहाई अता हो जाएगी, बेल मिल जाएगी उन्हें। हनी क्या कहना है, किस तरह से अभी इतनी छोटी उम्र में आप ये काम कर रहे हो, बहुत सराहनीय बात है। वो उनके बेटे जल्द से जल्द बाहर आ जाए अपने माँ के घर के पास। आप आज चादर आपने चढ़ाई है आर्यन खान के लिए, बहुत बड़ी बात है, आर्यन के लिए क्या कहना है? वो अपनी मम्मी के पास जल्द से जल्द आ जाए, अपने घर आ जाए वापस। आज मैं यहाँ पर चादर चढ़ाई थी और वो क्योंकि मैंने चढ़ाई थी क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई हो जाए, कल उनकी रिहाई की डेट है, इंशाल्लाह उनकी कल हो जाए।